अपनी आत्मा से शिक्षित नहीं होंगे तब तक मैं नहीं मानता कि आपका समाज शिक्षित है। कोई भी समाज, मैं आपसे एक समय की बात याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर एक खलबली का टाइम था जब हमारे देश के अंदर चार चार मुख्यमंत्री यादव हुआ करते थे। वो भी एक टाइम था, वो भी एक समय था, तो आज क्यों नहीं? तो हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी, हमारे समाज में कोई लोग इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी को आज याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे ही नहीं ये ख्याति हासिल की, जब वो साइकिल से चल के गांव-गांव जाते थे, शहर शहर जाते थे, जब भ्रमण करते थे, उनकी मेहनत देखो, उसके पीछे उनकी मेहनत थी। आज हम और आप कर क्या रहे हैं, हमें इसका भी थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। हमारे पास कोई व्यक्ति आए, हमारा धर्म है कि हम उसकी मदद करें। हमारा धर्म है, अगर हम राजनीति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, समाज सेवा करना चाहते हैं, तब भी हम मानव हैं, हमने मानव का जन्म लिया है, और जब हमने इंसान का जन्म लिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। हमारे सामने जब हमें दिखता है कि कोई आदमी हमारे सामने परेशानी में आया है तो हम उसकी मदद करें। वो किस समाज से है इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, पर हम यादव समाज से हैं, हम उसकी मदद करेंगे, ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा मन, ऐसी हमारा आत्मा होना चाहिए। जब तक ये सब चीजें आपके अंदर आत्मा में नहीं आएगी, तब तक हम विकास करने में असमर्थ रहेंगे। हम विकास की बड़ी बड़ी बातें तो करते रहेंगे, लेकिन हमारा आदमी मंच पर, जो प्रशासनिक मंच है, जो सामाजिक मंच है, जैसे आज भाई ने कहा कि हमारे बीच में सांसद मौजूद नहीं है, तो इसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने छोटे से छोटे व्यक्ति को चुनाव जिताने में असमर्थ रहे होंगे, इसलिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेहनत करते हैं तो क्या वो निर्दलीय जीत के भी आते हैं? ऐसे कई विधायक, कई पार्षद हैं, निर्दलीय भी जीत करके आते हैं, ऐसे भी कई जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब वो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके थैले में गरीबी रेखा का राशन कार्ड के हजारों फार्म रहते हैं, उनके थैले में वृद्धा पेंशन के लिए हजारों फार्म रहते हैं, वो अपनी समाज की मदद करते हैं, वो दूसरी समाज की मदद करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो एक अच्छा प्लेटफार्म खड़ा करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि समय मुझे लग रहा है कि मेरे नज़दीक हमारे इशारा हो रहा है, तो मैं समझ गया हूँ इशारे को। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वो एक दूसरे की मदद करें, सामने वाले की मजबूरी को समझें। कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, उसका आप मदद करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको उसका फायदा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय यादव समाज, जय यादव, जय माधव। धन्यवाद लल्ला भैया, बहुत ही ऊर्जावान है।